अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रजनीक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 34, इमेजेस, प्रॉब्लम 32। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो सेंट्रल एक्सिस पे पड़ा है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। डेटा आपको टेबल में दिया जा रहा है। इस टेबल में क्या क्या दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है मटीरियल वन का, मटीरियल टू का, ऑब्जेक्ट की दूरी दे दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया है। अब इमेज की दूरी बतानी है, ये बताना है रियल या वर्चुअल है, या ये बताना है सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे। तो काफी कुछ टेबल में ऑलरेडी गिवन है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एन टू उसने कहा था, सेकंड अदर साइड जो है वो बतानी है, तो वो तो उसने खुद ही बता दी 1.5 है। ऑब्जेक्ट की दूरी भी उसने खुद ही बता दी कि आपके पास वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसने खुद ही बता दिया, +30 है। अब अगली चीज इमेज की दूरी निकालनी है, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है n1 ओवर p प्लस n2 ओवर i बराबर है n2 माइनस n1 ओवर r। यहाँ से i की वैल्यू निकाल लेते हैं, i को एक तरफ कर लेंगे, बाकी चीजें दूसरी तरफ कर लेंगे। अब हमें सब कुछ ही पता है, n2 भी पता है, n1 भी पता है, r भी पता है, p भी पता है, तो वो सारी वैल्यूज डालेंगे तो माइनस के 18 सेंटीमीटर आ जाएंगे। माइनस में आने का मतलब ये हुआ कि आपका इमेज वर्चुअल है और अपराइट है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज आपके पास सेम साइड पे इस मामले में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।